अगर किसी टीम में अगर हमको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है, तो क्या है कि क्या फैक्ट है? अगर वो बोल रहा है बंदा, तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ होगा, तभी उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। और हमने उसको मौका दिया है तभी तो बोल रहा है। अगर हमारे बारे में कोई बोल रहा है तो हम उसको मौका दें। कोई नहीं, कोई हमारे बारे में बोल देता है, आपके बारे में क्यों नहीं बोल देता है? अगर आप किसी को मौका दीजिएगा, आप उससे बात कीजिएगा, आप उसके बारे में अपना क्यों दीजिएगा। देखो, खिस्सा कल देहात में गाँव घर फूटे तो गंवार लूटेला। हम इस संदर्भ में खेसाई से भी बात किए थे कि भाई आपके टीम के हर चीज़, हर सीक्रेट चीज़ को लोग कैसे वायरल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ न्यूज़ तो दे रहा होगा ना, तभी कोई बंदा बोल रहा है। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, आज है गणेश चतुर्दशी और पीछे गणेश बाबा और इधर बगल में पवन पांडे जी। जी हां, पवन पांडे के ऑफिस में है और गणेश बाबा आ चुके हैं। कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार ये इकलौते ऐसे राइटर हैं पटना में, जी हाँ यूँ कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि भैया सभी लोगों को बुलाते हैं और प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। चलिए, नमस्कार प्रणाम। जितने लोग देख रहे हैं गॉसिप भोजपुरी न्यूज़, सबको नमस्कार है, प्रणाम है। जितने लोग बाद में देखेंगे उनको भी नमस्कार। कैसे हैं भैया? और आज गणेश बाबा पीछे बहुत बढ़िया है, और गणेश भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है। और गणपति बाबा आए हैं तो कौन खुश नहीं होगा। आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके पास कि भाई ये तो बॉम्बे का कल्चर है, बिहार का नहीं है, बिहार में नहीं होता है, लेकिन बिहार में रह के आप देख रहे तमाम सारे लोग आपके पास, सारे आर्टिस्ट भोजपुरी के जो पटना के जो आर्टिस्ट हैं वो लगभग आ रहे हैं और प्रसाद खा के जा रहे हैं, ये मतलब ये चीज़ें कैसे आई? देखिए, क्या है कि हम 2015 में इस ऑफिस को लिए थे और उस टाइम हम बिल्कुल नए थे, लेकिन हाँ उस टाइम हमारे गाने बहुत, हम खेसारी जी के इकलौते राइटर उस समय गिने जाते थे। और उस टाइम हम लोग का गाना भी, उस समय पवन जी का भी गाना लिखते थे, खेसारी जी का भी गाना लिखते थे 15 में, उसी टाइम हमने ऑफिस लिया था और उस संदर्भ में सब लोग यहाँ पे आए हुए भी थे। तो उस समय 15 अक्टूबर में लिया था, तो उस समय तो गणपति पूजा बीतते का था, लेकिन हमारे मन में शुरू से था कि बड़े हीरो हीरोइन सलमान खान का देखते थे कि गणपति पूजा में लोग ढूंढ रहे हैं। तो हमको लगा कि जब बम्बई में हीरो हीरोइन करते हैं भाई, तो हम लोग भी एल्बम इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो हम लोग को भी गणपति पूजा करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। ये कोई प्रांत का नहीं है, चूँकि गणेश जी सारे प्रांत के लोग हैं, और कहीं भी आप भी न्यूज़ का उद्घाटन करते हैं उसमें गणेश जी का भजन करते हैं। अगर हम लोग शूटिंग करने जाते हैं तो गणेश वंदना करके नारियल फूल के स्टार्ट करते हैं। तो हमने गणपति पूजा शुरू की और उस समय 15 लोग आए थे, और उसके बाद में 7वां साल है, और इस 7वां साल में कितने लोग आ रहे हैं मुझे भी अनुमान नहीं है। और हमने जिसको इनवाइट किया है पटना में, अगर वो लोग अवेलेबल है तो यहाँ आए हैं, चूँकि इसके पहले पटना में अंकुश राजा भी थे, वो भी आए थे, कल्लू जी आए थे, खेसारी जी आए थे, राकेश मिश्रा जी आए थे, अक्षरा जी आए थे, बहुत सारे लोग, जो जो लोग थे वो सब लोग आए थे, और सब लोग यहाँ आए थे। और जितने लोग यहाँ रहते हैं उन लोग को अच्छा लगता है कि कम से कम गणपति पूजा अपना पटना में हो रहा है और पटना के में हम कर रहे हैं, तो लोगों को उत्सुकता बढ़ती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को खाने खिलाने में, बाबा का आशीर्वाद। एक बात बताइए भैया, बाबा से आपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उथल पुथल मच रहा है, उसके लगी कुछ मांगे या फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्या आपने मांगा बाबा की? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए, उनके कल्याण के लिए हमने मांगा है, और ये पूजा पाठ जो है ये सर्व कल्याण के लिए होता है। पूजा पाठ है और कोई भी बड़ा अनुष्ठान किसी एक कार्य के, एक आदमी पर्सनल इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं होता है। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को पूजा करना चाहिए तो समाज कल्याण के लिए करना चाहिए, और हम लोग भोजपुरी से हैं और भोजपुरी की देन है कि आज गणपति बापा का अपने ऑफिस में पूजा कर रहे हैं। नहीं तो भोजपुरी के कल्याण के लिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भोजपुरी के लिए कुछ करूं। तो आज बजरंग थी गणपति बापा को बुलाए हैं और इनसे मंगल मूर्ति है, और इनसे मंगल करते हैं कि सबका मंगल हो और सारे विवाद खत्म। खेसारी जी वाला विवाद है ये कब खत्म होगा? कब कब ये खबर ऐसा आएगा कि भाई खेसारी जी का जो कंट्रोवर्सी है लाइव में भी, वो आके जो टीम पर आरोप लग रहा था कि भाई उनकी टीम जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने लाइव आके कहा कि भैया ऐसा टीम नहीं है, आप क्या देखिए? खेसारी जी का कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, इसके पहले भी 14 अक्टूबर 2022 को एक बार कोर्ट का निर्णय आया था, स्टे आया था, फिर हम लोगों ने अपील किया और कोर्ट से स्टे का वॉकेट हुआ और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे और फिर वही हुआ है, फर्स्ट बेंच का निर्णय था अपने पक्ष में, सेकंड बेंच में उनके पक्ष में आया, तो सेकंड बेंच के बाद हम लोग अपना अपील करेंगे आगे और
जल्दी अच्छा होगा, कोर्ट राहत देगी, क्योंकि कलाकार को आप किसी भी अनुबंध में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकते हैं जो कलाकार के लिए क्षति हो। और कलाकार बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नियम है, अब वो सब हम उतना नहीं बता सकते, लेकिन क्या है कि जल्दी सब अच्छा होगा। और देखिए कोई विवाद नहीं है, कुछ लोग विवाद कर रहे, लोग ऐसा नहीं कर रहे थे कि डायरेक्ट टीम पर आरोप लग रहा था कि भाई टीम के आसपास के लोग ही उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर, हालांकि खेसारी जी ने लाइव आके बोल दिया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी टीम ही उनको बर्बाद, जिस तरीके से उन्हें बनाया उसी तरीके से उनको डुबाने की भी भरपूर कोशिश किया जा रहा है। देखिए अब क्या फैक्ट है, देखिए अगर किसी टीम में अगर हमको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है, तो क्या है कि क्या फैक्ट है, अगर वो बोल रहा है बंदा तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ होगा, तभी उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, और हमने उसको मौका दिया है तभी तो बोल रहा है। अगर हमारे बारे में कोई बोल रहा है तो हम उसको मौका दें, कोई नहीं, कोई हमारे बारे में बोल देता है, आपके बारे में क्यों नहीं बोल देता है। अगर आप किसी को मौका दीजिएगा, आप उससे बात कीजिएगा, आप उसके बारे में अपना क्यों दीजिएगा। देखो खिस्सा कल देहात में गाँव घर फूटे तो गंवार लूटेला, हम इस संदर्भ में खेसारी से भी बात किए थे कि भाई आपके टीम के हर चीज़, हर सीक्रेट चीज़ को लोग कैसे वायरल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ न्यूज़ तो दे रहा होगा ना, तभी कोई बंदा बोल रहा है, कुछ तो टीम में गलत है, तभी तो वो चीज़ें जो अंदर की बातें होती है वो टीम से बाहर कैसे आ रही है। एक पीआर सेक्शन होता है सेलिब्रिटी का, क्यों पीआर मैनेजमेंट होता है कि पीआर लोग ही खबरें को बाकट करेंगे जो काम की चीज़ होती है, लेकिन ये खबर उल्टी नहीं। देखिए यही मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ मिस गाइड होगा जिसके वजह से ये चीज़ हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी गलत गलत न्यूज़ बनाए, देखिए इस परिस्थिति में तो न्यूज़ बनाना ही चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ बनाना चाहिए, क्योंकि आदमी जब आदमी डिप्रेशन में रहता है तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि लोग और डिप्रेशन में हो जाए। आप अपने मजे के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है।